नमस्कार दोस्तों, मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने अपने नए बुलेटिन में गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि लगभग 6 से 7 राज्यों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने अभी 1 घंटे पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है। 24 से 27 अप्रैल के बीच देश के कई राज्यों में बारिश के साथ तेज तूफान आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो वहीं उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम तेज बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। 24 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में मेघ गर्जन और तेज आंधी के साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है, तो वहीं देश के कई राज्यों में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि कई राज्यों में बदलते मौसम ने थोड़ी राहत दी है, क्योंकि दोस्तों मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। इसी बीच IMD ने अगले 2 से 3 दिनों तक देश के कई राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताते हुए कई जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 27 अप्रैल तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर सहित कई राज्यों में तूफानी बारिश होने के कारण बिजली गिरने और तेज आंधी के साथ जो है मौसम में बड़ा परिवर्तन आने की जानकारी दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल के दौरान पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड के कई क्षेत्रों में बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 24 से 27 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि आज और कल पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के कई हिस्सों में हीटवेव देखने को मिलेगी, जबकि झारखंड और बिहार में 24 से 27 अप्रैल तक भयंकर गर्मी पड़ने और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी क्षेत्रों में 24 से 27 अप्रैल तक तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। स्काईमेट की रिपोर्ट की माने तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने की प्रबल संभावनाएं देखी जा रही है। कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। वहीं पंजाब, उत्तरी हरियाणा में गर्जन के साथ बिजली और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। 24 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में बारिश और मेघ गर्जना की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 24 से 27 अप्रैल के बीच महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं अगर बात करें 24 से 27 अप्रैल के बीच कोंकण और गोवा की, तो यहां पर मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की माने दोस्तों तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही 24, 25 और 26 अप्रैल के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 24 से 27 अप्रैल तक उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में, जबकि 25 अप्रैल को कोंकण और गोवा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान का दौर देखने को मिलेगा। प्रचंड गर्मी ने हाहाकार मचाया। 27 अप्रैल तक कई राज्यों में होगी बारिश।
कई राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है और कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक देश के कई राज्यों में बारिश होने की आशंका है, जिसकी वजह से कई जगहों पर गर्मी से राहत मिलेगी। तो वहीं मौसम विभाग का जो ताज़ा मौसम पूर्वानुमान है, उसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 24, 25 और 26 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने 27 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ बारिश आने की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों के एक एक जिले के मौसम की जानकारी बताई जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। तो लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की आशंका भी मौसम विभाग ने जाहिर की है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का आसार भी मौसम विभाग ने जताया है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ स्थानों पर तेज गर्मी भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव आएगा, जिसके चलते इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में उष्ण और इसके साथ ही भीषण गर्मी के साथ जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर लू चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जताई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 40 से 42 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना भी जताई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद देखी जा रही है। वहीं दोस्तों जो मौसम विभाग ने ताज़ा मौसम अलर्ट जारी किया है, उसकी अगर माने तो अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, खास तौर पर इंदौर, उज्जैन, धार, गुना जिलों के विभिन्न इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल को मौसमी गतिविधियां चरम पर रहेगी। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लगभग मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।